बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन अफराद के पाँव की दूसरी उंगली लंबी होती है उनके बारे में दिलचस्प मालूमात। इंसान की शख्सियत को जानना, उसको परखना, उसके आदात को समझना शायद खुद इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मौजू रहा है। वक़्त गुजरने के साथ साथ तजर्बात के हामल बहुत सारे ऐसे माहरीन नफ्सियात सामने आएंगे जिन्होंने मुख्तलिफ निशानियां बयान की हैं और कहा है कि जिन लोगों के अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं, ऐसे हालात पाए जाते हैं या ऐसी आदात पाई जाती हैं, तो ऐसे लोगों की शख्सियत के बारे में जानना नहायत आसान हो सकता है। उन्होंने कुछ निशानियों के बारे में बात करते हुए कहा है कि अगर किसी शख्स में ये निशानी पाई जाए तो आप बता सकते हैं कि उसका मिजाज कैसा है, उसका हौसला कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, उसके अखलाक कैसे हैं। ऐसे ही माहरीन का कहना है कि पाँव की उंगलियों की साख से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में किसी शख्स ने कैसा काम सर अंजाम देना है। या उनका कहना है कि पाँव की दूसरी उंगली अगर अंगूठे से लंबी हो तो ऐसे लोग इंतहाई ज़हीन होते हैं, नित नए आइडियाज़ उनके दिमाग में गर्दश करते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि थोड़े वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, उसके लिए अपने आइडिये से काम लेते हैं। उसके साथ उनका कहना है कि ये लोग देखने में इंतहाई तेज़ होते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत जल्द सीख लेते हैं। इसके साथ माहरीन का ये भी कहना है कि ऐसे लोग मुश्किल मसाइल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये लोग मुख्तलिफ कामों को एक साथ करने में भी इंतहाई माहर होते हैं। ये एक वक्त में कई सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। ऐसे हैं जो लोग पाँव की उंगलियों की साख के मालिक होंगे, जिनका अंगूठा और दूसरी उंगली बराबर हो तो ये लोग मजबूत शख्सियत के होते हैं। मुश्किल औकात के अंदर अपनी समझ बूझ से खुद पर कंट्रोल रखते हैं और हालात को अपने ऊपर तारी नहीं होने देते।